हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करुच्छी समस्ते भलरे थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पे प्रिपरेशन जोरसोरे चलाइथिबो। आजिर क्लास रे आमे सोशल साइंस रो ज्योग्राफी रो किछि प्रैक्टिस क्वेश्चन करबा। एई सब जो आजिर जतिके सब क्वेश्चन डिस्कशन हबो, तमरो एगुडा तमरो ओटेट रहु कि सीटेट रहु कि एजुएलएस तमनकर सीएचटी में सीएचटी रे जो जीएस पेपर अछि ता पाई मध्ये हेल्पफुल रहबो। अगर तुमरो जते सब क्लासेस कंप्लीट हे जाइछि तार गुडे मु टोटल प्लेलिस्ट सब ताको सिक्वेंशियली अरेंज कर दैछि, जो माने भी से क्लास गुडा को कंप्लीट करना जल्दी से कंप्लीट कर दबो। तो चलो देरी न करके आजिर क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करबा। आजिर क्वेश्चन ताको जति के सब क्वेश्चन डिस्कशन करबा ना एजे ताको तमे मॉक टेस्ट हिसाब रे नियो। आउट ऑफ तमरो 50 क्वेश्चन रु केते मार्क्स आसला समस्त मते कमेंट सेक्शन रे लिखि के जानिबो। तो चलो देरी न करके आजिर क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करबा। आजिर फर्स्ट क्वेश्चन कोन छि देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कौन देखे देखो, द लोकल टाइम 82° 30' ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड थ्रू आउट इंडिया, इट इज नोन एज। तुमर जो इंडिया रो जो 82° जो 30' जो ईस्ट रे जो लॉन्गिट्यूड टा जाई छी ताको हमें कौन स्टैंडर्ड टाइम हिसाब रे ताको स्टैंडर्ड हिसाब रे करथौ से लॉन्गिट्यूड टा को, तो याको तुमर कौन को जाई थाय ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। से स्टैंडर्ड टाइम हिसाब रे ही तुमर कौन ना सब ऑल ओवर इंडिया रो जते सब टाइम थाय ऑल दो। देखो जेहेतु तुमर लॉन्गिट्यूड हिसाब रे तुमर हां लॉन्गिट्यूड हिसाब रे तुमर कौन माने जागा टू माने जेतु तमरो ईस्ट रो वेस्ट को असला को तमरो लॉन्गिट्यूड डिप माने चेंज हे जाउ छी, तो कोन से हिसाब रे तमरो टाइम भी चेंज होबा कथा। तो कोन कंट्री रे से देखिया को गले डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पई अलग अलग टाइम होबा कथा, बट जेहेतु टाइम रो ताको गोटे कंट्री पई गोटे फिक्स टाइम रखिया पई तमरो कोन ना स्टैंडर्ड टाइम करा जाय थाय। तो इंडिया रो स्टैंडर्ड टाइम ता तमरो कोथरे अछि ना 82° 30' ईस्ट लॉन्गिट्यूड ताको टेकन कराइ छी, एडा को तमरो कोन कह जाय थाय ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बा ISD। सो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक अछि, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कोन छि देखो, ऑन व्हिच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज मॉरिटियस लोकेटेड। तो तुम्हारे यार करेक्ट आंसर कोन हि जेबो ना 20° साउथ। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कोन लिखाई छि देखो, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टाइम एट द्वारिका इन द गुजरात एंड द टाइम एट डिब्रुगढ़ एट आसाम इन आसाम। तो तुम देखो एपटे रहिला ईस्ट रो पूरा लास्ट को तुम आसाम रो डिब्रुगढ़ आउ कौन ना एपटे जो वेस्ट रो तुम एपटे रहिला द्वारिका तांको भितरे जो केते टाइम रो डिफरेंस थाय बोली से क्वेश्चन ने पचाची। तुम 2 hours ना 1 hour 30' रो ना तुम 1 hour 45' रो ना 5 hour 30' रो। तो देखो तो यार करेक्ट आंसर कौन हिजबो ना 1 hour 45'। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कोन लिखाई छी देखो, बिटवीन व्हिच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज द टोरॉइड जोन सिचुएटेड। तो तमरो देखो हमर टोटल केतेटा हीट जोन अछि, हमर टोटल हीट जोन केतेटा 4टा अछि। 4टा हीट जोन गुडा तमरो कोन कोन थिला, गोटे हेगला तमरो टोरॉइड जोन आ गोटे हेगला तमरो नॉर्थ टेम्परेट जोन आउ कौन ना तुम साउथ टेम्परेट जोन तापर आसला तुम कौन ना फ्रिजिड जोन। तो सम आई होप समस्त लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कौन तार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर्कटिक सर्कल अटलांटिक सर्कल ए रिगार्डिंग आई होप समस्त मन थी। तो तुम क्वेश्चन कौन पचार देखो, बिटवीन व्हिच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज द टोरॉइड जोन सिचुएटेड। तो एटा देखो मु ए टिके तुमको रिकॉल कर दउछि समस्त एटा जदि तुम अर्थ ला आर्थ रो तुम मझी को जो पूरा इक्वल 2 halves रे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर रे डिवाइड कर छि ताकु तुम कौन कह जाइथे ना इक्वेटर। इक्वेटर रो ऊपर पोर्शन टा हेगला तुम एपट पोर्शन टा हेगला एटा हला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आउ ए तळ पट पोर्शन टा एटा हेगला तुम सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट कौन आसला, नेक्स्ट तुम कौन ना जो लैटिट्यूड रो 23 degree 1/2' तुमर नॉर्थ को ऊपर को गले सेटा को कोन कह जाइथे तुमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली तुमर 23 degree 30' तल को आसिले साउथ को आसिले 23 degree 30' साउथ को आसिले तुमर ताको कोन कह जाइथे ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ए जो मझी रे जो जेती की जगह रहिला सेटा को तुमर कोन कह जाइथे ना टोरॉइड जोन। तो तार करेक्ट आंसर कौन है जीवन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कोठी अच्छी देखो। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो तुम्हारा कौन ना क्वेश्चन नंबर 4 है ला क्वेश्चन नंबर 4 रो कौन है जीवन ऑप्शन नंबर कोठी अच्छी देखो ऑप्शन नंबर
ए विल बी द करेक्ट आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ओके बुझा पड़ा समस्त को आउ थरे रिकॉल कर देली चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा क्वेश्चन नंबर 5 कौन दे छी देखो व्हाट टाइम डज अर्थ टेक टू रोटेट फ्रॉम 1 डिग्री लोंगिट्यूड टू द नेक्स्ट लोंगिट्यूड तो तुम्हारा टोटल केते डिग्री केते केते ना गोटे एटा मन रख दो तुम्हारा गोटे डिग्री लोंगिट्यूड विल बी इक्वल्स टू तुम्हारा कौन ना 4 मिनट तो तार करेक्ट आंसर कौन है जीवन ना व्हिच इज इक्वल्स टू 4 मिनट तो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कौन अछि देखो द टाइम ऑफ इंडिया इज अहेड ऑफ दैट ऑफ इंग्लैंड बाय केते टाइम तो तुम्हारा इंडिया आउ इंग्लैंड रो टाइम डिफरेंस केते थाय तुम्हारा देखो टिके अगर हम कौन डिस्कशन करलु आसाम रो डिब्रुगढ़ माने ईस्ट रो तुम्हारा वेस्ट रो इंडिया रो टाइम डिफरेंस ता केते ई जो 3-4 टा अछि ना एगुडा को टिके भलसे मन रखि दिथो तुम्हारा जो टिके अगर हम डिस्कशन कौन करलु तुम्हारा आसाम रो डिब्रुगढ़ रो गुजरात रो द्वारिका मधे टाइम डिफरेंस केते ना 1 आवर 45 मिनट्स तो सिमिलरली तुम्हारो इंडिया आउ यूके रो टाइम डिफरेंस केते थाई ना तुम्हारो 5 आवर्स 30 मिनट्स तो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कौन अछि देखो व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर तो देखो टिके अगर डिस्कशन कौन कलु तुम्हारो इक्वेटर इक्वेटर कौन ना तुम्हारो पूरा अर्थ टा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर डिवाइड करते किंतु तुम एटा को हमर कौन कह जाय थे ना एटा को तुम गोटे हे गला एटा कौन ना लैटिट्यूड जोटा लॉन्ग थिबो सेटा हे गला तुम कौन ना लोंगिट्यूड जो लोंगिट्यूड टा तुम एटा हे गला तुम कौन ना ईस्टर्न पार्ट एटा हे गला तुम ईस्ट पार्ट एपटटा हे गला तुम कौन ना वेस्ट पार्ट ईस्ट हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो तुम्हारा ईस्टर्न आउ वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो डिवाइड करी थाई जो तुम्हारा लोंगिट्यूडटा ताकु तुम्हारा कौन कह जाय थाई ना प्राइम मेरिडियन सो यार करेक्ट आंसर कौन हिजबो ना क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर प्राइम मेरिडियन ओके चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कौन अछि देखो व्हिच प्लेस इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट तो तार करेक्ट आंसर कौन है जीवो ना क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कौन अछि देखो व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर टिके अगर कौन कहली तुमर जदि आमे जते बेले कंसीडर करबा ना कौन प्राइम मेरिडियन कौन करथाय ना अर्थ को दीटा हाफ से डिवाइड करथाय गोटे हेगला तुमर ईस्टर्न हाफ आ गोटे हेगला तुमर वेस्टर्न हाफ सिमिलरली तुमर इक्वेटर इक्वेटर भी तुमर कौन ना अर्थ को दीटा भाग रे डिवाइड करथाय किंतु सेटा कौन ना तुमर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर तो ए क्वेश्चन रो आंसर गुडा जते बेले दोबा ना ठीक है भलसे देखिक दब तो तुमको क्वेश्चन में कौन पचार व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर तो तार करेक्ट आंसर कौन है ना इक्वेटर सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 कौन अच्छे देखो नेम वन ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टा केते डिग्री रे मैंने को लोंगिट्यूड रे थाई बोली सॉरी को लैटिट्यूड रे थाई बोली से क्वेश्चन ने पचारी छी टिके अगर डिस्कशन करलु तो तुम्हारा देखो एटा ऊपर को एटा आसला अर्थ अर्थ रो एटा हे गला तुम्हारा कोन ना इक्वेटर इक्वेटर ऊपर को गलो एटा कोन आसला ना तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केते थिला तुम्हारा 23 डिग्री 30 मिनट्स एटा कोन नॉर्थ सो यार करेक्ट आंसर कौन है जीवो ना क्वेश्चन नंबर 10 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 रे कौन देसी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर शोन ऑन द ग्लोब्स इन देयर ट्रू साइज तो देखो आमे ग्लोब्स रे जते बेले रिप्रेजेंट करूछु कंट्री तारो ट्रू साइज रिप्रेजेंट करथाय कॉन्टिनेंट भी आमे ट्रू साइज कहले ठीक कोन माने धरा जाउ तमरो माने जति की प्रोपोर्शन रे थिबा कथा माने धरा जाउ जति की अंचल रे तमरो ट्रू साइज ता माने नोय जे पूरा एग्जैक्टली पृथ्वी रे को आनी के ग्लोब्स रे रखाई छी सेटा नै तारो जति की प्रोपोर्शन रे धरा जाउ तमरो वाटर आउ माने गोटे जागा रो तमरो जल भाग आउ स्थल भाग रो रेशियो 2:2 रहबा कथा रियलिटी रे भी सेटा 2:3 अछि एवं ताकु मैप रे जते बेले बा ग्लोब्स रे आमे जते बेले देखौछु सेटा भी
तुम्हारे 2:3 रेसीो अच्छी तो यहाँ को ही कौन कह तुम ट्रु साइज तो ट्रु साइज तुम सब कंट्रीज गुड़ाक भी रखा था तुम कंटिनेंट्स गुड़ाक भी रखा था ओशियन गुड़ाक भी रखा था तो तार करेक्ट आंसर कौन हो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर आई होप समस्त क्वेश्चन नंबर 11 बुझा पड़ो तारी किसी भी कन्फ्यूजन ना चलो मुविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कौन लिखा है देखो व्हाट इज ए ग्लोब ग्लोब टा कौन तुम्हारा अर्थ ना ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ दिस तो तुम्हारा मॉडल टा ग्लोब टा कौन गोटे एक्जाक्टली मॉडल ऑफ अर्थ एटा तो एक्जाक्टली अर्थ नुहे अर्थ तो ताको कहि परबेनी एटा गोटे कौन ना मॉडल ऑफ अर्थ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ सो क्वेश्चन नंबर 12 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 कौन देखे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन ठीक है डिस्कशन कलु तुम प्राइम मेरिडियन कौटा को कहा जाए तुम 23 degrees 30 minutes नॉर्थ ना 23 degrees 30 minutes साउथ ना 82 degrees 30 minutes ईस्ट ना 0 degrees लॉन्गिट्यूड तो तुम देख प्राइम मेरिडियन कौन हो गला मेरिडियन आउ लॉन्गिट्यूड सेम जिनस एथरे कन्फ्यूज हबार किछि भी नहीं तो देख एटा जो मझीरे जोटा जाइछि लॉन्गिट्यूडटा एटा को तमरो कोन कह जाय थाय ना प्राइम मेरिडियन तो एटा तमरो केते डिग्री रे अछि ना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड सो क्वेश्चन नंबर 13 रो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कोन अछि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज सिचुएटेड बिटवीन 66 degrees 30 minutes साउथ एंड द पोल तो देखो ये क्वेश्चन टा एबे गोटे इन डिटेल्स ता गोटे विविडली डिस्कस कर दबा तो देखो एटा रहिला तमरो कोन ना अर्थ समस्त रिकॉल करो एटा ओके एटा को टिके टेढ़ा मेढ़ा हो गला ओके एडजस्ट कर दबा ठीक अछि तो मझीरे जोटा गला सेटा को तमरो कोन कह गला एटा हला तमरो केते रे ना 0 डिग्री रे 0 डिग्री रे जोटा गला ताको कोन कह गला इक्वेटर सिमिलरली पैरेलल रे तमरो 23 degrees 30 minutes रे 23 degrees 30 minutes नॉर्थ को जोटा गला सेटा को तमरो कोन कह गला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नेक्स्ट नेक्स्ट जो पैरेलल लाइन टा तमरो कोन ना 66 होल 1/2 degrees नॉर्थ याकु तुमर कौन कह गला याकु तुमर कौन कह गला ना आर्टिक सर्कल समस्त मन अच्छे एटा कौन हो गला तुमर तुमर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटा हो गला तुमर कौन ना आर्टिक सर्कल आउ पूरा ऊपर रहिला कौन ना तुमर नॉर्थ पोल सिमिलरली तुमर 23 degrees 30 minutes साउथ को गले 23 degrees 30 minutes साउथ को गले तुमर कौन आसी जीव साउथ को गले आसला ऊपर हैला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तले हो गला तुमर कौन ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट कौन तुम 66 होल 1/2 degrees साउथ को गले कौन आसला ऊपर तुम कौन थी आर्टिक तले हो गला तुम कौन ना अंटार्कटिक कौन ना अंटार्कटिक अंटार्कटिक सर्कल ओके तो देख एटा है आउ तले पूरा एपट साइड कौन रही ना ये रहा तुम कौन ना नॉर्थ पोल क्लियर तो एबे कौन आम डिस्कसन करूँ आउ कौन ना हिट जोन कौन कौन डिस्कसन कलु तुम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मध्य जो हिट जोन टा रही है ताको आम कौन कही था ना टॉरॉइड जोन एटा एट कि तुम कौन हो गला ना टॉरॉइड जोन नेक्स्ट कौन आसला नेक्स्ट आसला तुम कौन ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रु तुमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रु तुम के ना आर्टिक सर्कल मान 26 degrees 30 minutes नॉर्थ रु 23 degrees 30 minutes नॉर्थ रु 66 degrees 30 minutes नॉर्थ जाए यपटा को तुम कौन कह जाए ना टेम्परेट जोन एटा को नॉर्थ साइड रे अच्छी तो यहाँ होगा तुम नॉर्थ टेम्परेट जोन आउ ये अच्छे साउथ साइड रे यहाँ होगा तुम कौन ना साउथ टेम्परेट जोन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन ना तुम 66 degrees 30 minutes नॉर्थ रु पूरा पोल जाए यहाँ को तुम कौन कह जाए ना फ्रिजिड जोन कौन कह जाए ये लिखी दौर तुम कौन ना फ्रिजिड फ्रिजिड जोन क्लियर तो सिमिलरली तुम 66 degrees 30 minutes साउथ रु तुम साउथ पोल जाए रिजन टा को तुम कौन कह जाए ना यहाँ को भी तुम फ्रिजिड जोन ही कहा जाए ओके आमको क्वेश्चन कौन पचार देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जोन तीन टा हिट जोन मन रहा समस्त रिकॉल करदे कौन थी
टोरॉइड जोन, तापर आसला तुम टेम्परेट जोन, तापर आसला तुम कौन ना फ्रिजिड जोन। नॉर्थ रे अच्छे ना साउथ रे अच्छे से हिसाब से देखिकी नेमिंग करदेव। बस तुम टेम्परेट जोन ही चेंज हम, फ्रिजिड जोन ऊपर भी तुम फ्रिजिड जोन रही है, तले भी सेटा फ्रिजिड जोन ही। ओके चलो एबे क्वेश्चन सॉल्व करिया। कौन दिसे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जोन, को जोन इज सिचुएटेड बिटवीन 66 डिग्री 30 मिनिट साउथ, 66 डिग्री 30 मिनिट साउथ एंड पोल। तो कौन आसला 66 डिग्री 30 मिनिट आसला ए जगाटा को तमरो अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल रो साउथ पोल को ए जगह कौन कह जाय थे तमरो एबे हिंटी डिस्कशन करलु कौन ना फ्रिजिड जोन। सो क्वेश्चन नंबर 14 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप समस्तंकर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रे जति की सब तमरो माने माने कोना क्वेश्चन थिला जो टाइप्स रो माने जति की थ्योरीज थिला तारो आउ थरे रिकॉल हे गला। जदि तम माने थ्योरी क्लास भी जाउ छ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रो मते कमेंट सेक्शन रे लेखि की जणेबो इन डिटेल्स तारो गोटे क्लास रे माने कोना लॉन्गिट्यूड कोन लैटिट्यूड कोन प्राइम मेरिडियन कोन से रिगार्डिंग इन डिटेल्स रे डिस्कशन करबा। आई होप आजिरो क्वेश्चन रे ऑलमोस्ट सब आमे डिस्कशन कर दे छु एटमोस्ट जति की होबा कथा और बाकी जदि भी किछ रहि जैते मो तमनकु डेफिनेटली जणि देबि। चलो आजिरो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, व्हाट इज कॉल्ड ए नीडल फिक्स थ्रो ए ग्लोव इन ए टिल्डेड मैनर। तो तुम्हारे कौन ना ये जो गोटे एटा हेगला तुम्हारे ग्लोवटा एटा कौन ये जो गोटे नीडलटा टिल्टेड मैनर था ये जो नीडलटा को तुम्हारे कौन कह जाए या को तुम्हारे कौन कह जाए था ना एक्सिस। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे बुझा पड़ा समस्त को, समस्ते मत कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइब जो तुम जो ये जो एक्सेसटा थाए तुम से डिग्री टिल्टेड होना थाए मैंने जो एटा एटा केंगेल थाए बोली समस्ते मत कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइब। क्लीयर ये तुम जो जियोग्राफी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उपर बेस करके 15 क्वेश्चन जो था तार डिस्कसन कम्प्लीट है। आउट ऑफ 50 तुम कते मार्क्स स्कोर कल समस्त मत कमेंट सेक्शन में लिखिकी डेफिनेटली जनइब। आज क्लास जी तुम टोटल पीडीएफ आम टेलीग्राम ग्रुप रे पाई, टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु तुमको डिस्क्रिप्शन रे दे दी। आशा करछि आज क्लास टी समस्त को भल लगी थी और हेल्पफुल रही थी। एवं निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करने सह सांग सहित सेयार कर और लाइक टी कर। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।